हेलो दोस्तों, टेकजैक में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं जाकिर। दोस्तों आज हम निकालने वाले हैं टीपी लिंक राउटर का रिव्यू, WR720N 150 Mbps वायरलेस राउटर, और ये अमेजोन पे 700 रुपए में मिलते हैं, तो काफी अच्छा डील है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है, इसका फीचर सेटअप और स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एक्चुअली मैं पर्सनली खरीदा है, और इसके साथ आता है आपको एक एथरनेट केबल, एक एडाप्टर, और ये यूज़र गाइड, और ये इंस्टॉलेशन सीडी, और ये राउटर तो आएगा ही, मैंने यही खरीदा। तो देखिए राउटर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन के मामले में तो दिखने में कूल है और लाइट वेट है, 400 ग्राम वजन है, और पीछे की तरफ आपको SSID वगैरह, पासवर्ड, मैक एड्रेस, सीरियल नंबर वगैरह देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको एक वन कनेक्शन और दो लैंड कनेक्शन और पावर इनपुट कनेक्शन है, और यहाँ पे आपको एक WPS और रिसेट बटन एक में दिया गया है। और यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना है, आप अगर ये बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं 10 या 15 सेकेंड तो राउटर रिसेट हो जाएगा, फैक्ट्री रिसेट, और अगर आप इसे शॉर्ट प्रेस करते हैं तो आपको WPS पिन एंट्री में काम आएंगे। और यहाँ पे आपको एक ही एंटीना दिया गया है क्योंकि प्राइस के हिसाब से बराबर है, और इसके साथ आपको 3 साल की वारंटी आते हैं। और बॉक्स के पीछे की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे वायरलेस स्पीड, 150 Mbps, लैंड पोर्ट 2, एंटेना टाइप फिक्स्ड एक्सटर्नल, और अप टू सपोर्ट 4 SSID वगैरह यहाँ पे लिखा रहते हैं। और इसके साथ जो इजी सेटअप इंस्टॉलेशन सीडी भी है, तो इसका सेटअप भी बड़े आराम से हो जाएंगे। आपको अगर सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपका ISP को कांटेक्ट कर लीजिए। तो इसे सेटअप करने के लिए बस आपको ये पावर एडाप्टर लगाना है, और आपको ये वन कनेक्शन जो है ब्लू वाला, इसमें आपको जो इनपुट कनेक्शन है मतलब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो केबल देते हैं वो इनपुट करना है, और ऑन करने से तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। और ये जो येलो वाला पोर्ट है इसमें आपको लैंड कनेक्शन लगा सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट केबल कनेक्शन यूज़ करते हैं PC या फिर लैपटॉप से। और ये CD से इंस्टॉल कर लेना है, इसमें सेटअप रहते हैं वो क्लिक करने से आपको IP वगैरह डालना रहता है। तो अभी सेटअप कम्प्लीट हो चुका है, और अभी हम इसे वाईफाई से कनेक्ट कर चुके हैं, तो अभी चलिए इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो हमने ये speedtest.com ओपन कर लिया है, और मेरा जो अभी इंटरनेट प्लान है वो 15 Mbps है, तो देखेंगे हमें इसमें कितना Mbps स्पीड मिलता है। और इस राउटर से अभी हम एक मोबाइल को भी कनेक्टेड कर चुके हैं, और अभी हम 3rd फ्लोर पे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे 1 या 2 नेटवर्क बार आ रहे हैं, तो मतलब सिग्नल लेंथ जो है काफ़ी अच्छा है, बढ़िया तो नहीं है फिर भी चलता है, क्योंकि मैं इसे रेगुलर यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। सिग्नल लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, स्पीड भी अच्छा देते हैं, और ऑफ कोर्स आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपको अगर ये राउटर ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये राउटर को ऑर्डर कर लीजिए। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट का रिजल्ट भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे लिए अगर कुछ सवाल है या सुझाव है तो जरूर कमेंट कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कस्टमाइज शेयर करते हैं, जो कि हिंदी में, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।